नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चीन की चालबाजियों को सबक सिखाने के लिए दुनिया एकजुट होने लगी है, जिसका साफ मतलब है कि अब दक्षिण एशिया में जाए इस मुल्क को 70 के दशक में पहुंचाने का निश्चय कर लिया गया है। वही संकट काल में भारत ने दुनिया की जो मदद की उसका पारितोषिक उसको मिलने जा रहा है। मजे की बात यह है कि चीन का कोई पैतरा इस बार नहीं चलने वाला है। वह अपने ही द्वारा तैयार किए गए चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस चुका है, जबकि भारत की दयालुता का लाभ उसे निस्वार्थ भाव से मिलने वाला है। ब्रिटेन, अमेरिका और जापान में न केवल वहां के नागरिक चीन के प्रति मुखर हुए हैं, बल्कि राजनीतिक दलों ने भी चीन को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अब इन सरकारों के ऊपर चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारी दबाव बढ़ने लगा है। जापान और चीन के बीच तो 36 का आंकड़ा रहा है, मगर अब अमेरिका ने भी चीन से अपनी सभी कंपनियों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया है। दरअसल इस वक्त ज्यादातर देश कोरोना वायरस के मसले पर चीन को आड़े हाथों ले रहे हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियां इस वायरस के वुहान लैब से लीक होने का आरोप लगा चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक दो बार नहीं, कई बार खुलकर चीन के खिलाफ बयान दे चुके हैं। जापान चीन की चाल को समझकर वहां से अपनी कंपनियों को निकालने की तैयारी कर रहा है। वहीं जर्मनी की चांसलर तो कोरोना से पहले भी कई मुद्दों पर चीन पर अविश्वास जाहिर कर चुकी है। यह संक्रमण चीन के वुहान शहर से फैलना शुरू हुआ था और इसने अब तक दुनिया में 1,27,000 लोगों की जान ले ली है और करीब 20 लाख लोग इससे संक्रमित है। खास बात यह है कि इस वक्त चीन में अमेरिका की 200 से ज्यादा कंपनियां कार्यरत है। जर्मनी दूसरे नंबर पर और उसके बाद जापानी कंपनियों का वर्चस्व है। इन कंपनियों के चीन छोड़ने के बाद भारत एक बड़ा विकल्प हो सकता है। पिछले शुक्रवार को शिंजो आबे और पीएम मोदी के बीच टेलीफोन वार्ता को इसी रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि इसी हफ्ते की शुरुआत में चीन में काम करने वाली जापानी कंपनियों को वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर जापान में उत्पादन करने के लिए आबे सरकार ने $2 अरब का फंड दिया है। जापान ने चीन से बाहर किसी अन्य देश में जाकर उत्पादन करने पर उन जापानी कंपनियों को $21,50,00,000 की मदद का प्रस्ताव रखा है। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के मुताबिक अमेरिका चीन ट्रेड वार के चरम पर चीन में उत्पादन करने वाली 200 अमेरिकी कंपनियां पिछले साल ही भारत में निवेश की इच्छा जता चुकी है। अब कोरोना वायरस के लिए चीन के जिम्मेदार होने से ये कंपनियां भारत में निवेश के लिए और भी जल्दबाजी दिखा सकती है। इस वक्त दुनिया में चीन के खिलाफ हवा बह रही है। इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल जैसी जापानी और अमेरिकी कंपनियों को भारत में लाने में इसलिए भी सफलता मिल सकती है क्योंकि हाल ही में सरकार ने इन क्षेत्रों में निवेश के लिए 3,000 करोड़ से अधिक पैकेज का ऐलान किया है। हालांकि भारत को ऐसे मौके पहले भी मिल चुके हैं, मगर वियतनाम ने सही समय पर कदम उठाकर चीन से भाग रही कंपनियों को अपने यहाँ बुला लिया था। वियतनाम अभी $90 अरब इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात करता है, जबकि भारत $8,50,00,000 के आसपास ही अटका है। कोरोना वायरस को दुनिया में फैलाने के लिए अब विकसित देश चीन को कड़ा सबक सिखाने के मूड में है। अपनी अर्थव्यवस्था पर बीजने वाले चीन के लिए अब उसे बचाने की जद्दोजहद खड़ी हो गई है। अगर अमेरिका, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे मुल्क चीन से अपनी कंपनियों को स्थानांतरित करते हैं तो चीन लगभग बर्बाद हो जाएगा। साल 1980 में चीन ने जिस विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नियमों को ताक पर रखा था, वह फिर से उसी दौर में लौट जाएगा, मगर इस बार उसके प्रलोभन के जाल में दुनिया शायद ही आ पाएगी। अमेरिका तो इस वायरस को उसके खिलाफ चीन द्वारा छिड़ा गया अघोषित संघर्ष मान रहा है, जबकि ब्रिटेन के सांसदों ने तुरंत चीन से संबंध कम करने के लिए बोरिस सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। IMF द्वारा 2020-21 के लिए जारी किए गए आर्थिक विकास दर अनुमान में भारत की GDP 1.9 रहने का अनुमान लगाया गया है। चीन की GDP भी इसी के आसपास रहेगी, जबकि दुनिया के कई विकसित देशों की GDP माइनस में जा रही है। अगर चीन से विदेशी कंपनियां अपना बिस्तर समेटती है तो चीन पूरी तरह घुटनों पर आ जाएगा, जबकि भारत की GDP इस वित्तीय वर्ष में 5% से ऊपर जा सकती है, जो मंदी के दौर में भारत को एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में स्थापित कर सकती है। बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार दुनिया के देशों में मदद भेजकर उनसे अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर रही है। PM नरेंद्र मोदी ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनका भविष्य में भारत को बड़ा फायदा होने वाला है। आज ब्राजील, इंडोनेशिया, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस और यूरोपियन देश भारत के पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गए हैं, परंतु इसके पीछे भारत की निगाह चीन के प्रति दुनिया की बदलती धारणा से फायदा उठाने की है। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था का डंका बजाने, एक बड़ा बाजार होने और सबसे ज्यादा युवा शक्ति की बदौलत भारत अब चीन को पछाड़ने के लक्ष्यों पर काम कर रहा है।
पीएम मोदी दुनिया के नेताओं को फोन करके भारत को उनके साथ खड़े होने का एहसास दिला रहे हैं, जबकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इन हालातों में भी व्यापारिक चालबाजियों को अंजाम देने में लगे हैं। चीन अपने घटिया प्रोडक्ट निर्यात करके उन्हें मदद का नाम दे रहा है, मगर उसकी ये सारी चालाकियां आज विश्व के सामने उजागर हो चुकी है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।